subscribe Review Master Vikrant in your YouTube app and get all videos of Review Master. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, जब आप मेमोरी कार्ड या एसडी कार्ड खरीदते हैं तो आपने जरूर देखा होगा वाईफाई वाले एसडी कार्ड और मेमोरी कार्ड भी वहां उपलब्ध होते हैं। इनकी कीमत ज्यादा होने के कारण हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं और अपने दूसरे जो कि कम दाम वाले मेमोरी कार्ड और एसडी कार्ड है उनको खरीद लेते हैं। पर हमेशा हमारे दिमाग में एक बात जरूर कौंधती है, ये वाईफाई वाले मेमोरी कार्ड या एसडी कार्ड क्या होते हैं? चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनके फिजिकल स्ट्रक्चर की। फिजिकल स्ट्रक्चर में ये हमारे नॉर्मल एसडी कार्ड और पेन ड्राइव की तरह ही होते हैं, बस इनमें एक चेंज होता है, इनका खुद का एक वाईफाई हॉटस्पॉट होता है। जी हाँ, ये हॉटस्पॉट के सिद्धांत पर काम करते हैं। जिस तरह हम अपने फोन का कोई डेटा या नेट किसी दूसरे से शेयर करते हैं हॉटस्पॉट के द्वारा, उसी तरह ये पेन ड्राइव और एसडी कार्ड भी हॉटस्पॉट के द्वारा हमारे पोर्टेबल डिवाइस जैसे स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाता है और डेटा ट्रांसफर करता है। अब बात करेंगे कि इसका यूज कैसे किया जाता है। दोस्तों, जिस भी कंपनी का आप एसडी कार्ड या पेन ड्राइव लेते हैं वाईफाई इनेबल्ड, जैसे कि मेरे पास एयर फ्लैश तोशिबा का वाईफाई एसडी कार्ड है, तो आपको तोशिबा के द्वारा एक एप्लीकेशन प्रोवाइड किया जाता है जो कि इस वाईफाई वाले एसडी कार्ड से कम्युनिकेट करता है। जब भी इन कार्ड्स को या पेन ड्राइव्स को किसी सोर्स में लगाया जाता है जैसे कि कैमरा, लैपटॉप या पीसी में, इनका वाईफाई हॉटस्पॉट ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और आप जैसे ही इन कंपनी के दिए हुए एप्लीकेशन को खोलते हैं ये उनसे तुरंत कनेक्ट हो जाता है। आप उसमें अपनी मनचाहे डेटा ढूंढ सकते हैं और उसको तुरंत अपने पोर्टेबल डिवाइस में डाउनलोड कर सकते हैं या आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे उसको शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, संक्षेप में कहें तो यह एक हॉटस्पॉट के द्वारा किसी मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफर की तरह होता है, बस ट्रांसफर एसडी कार्ड द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं इनकी उपयोगिता की। दोस्तों, जब आप चाहते हैं कि आपका जो असेंबल्ड किया हुआ पीसी होता है, लैपटॉप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, असेंबल्ड किए हुए पीसी में वाईफाई के द्वारा आप कुछ चीज ट्रांसफर कर सकें या बिना तार के आप कुछ ट्रांसफर कर सकें, सिंपली इस मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव को खरीद लें, उसको प्लग करें और अपना डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हैं। या किसी कैमरे से आपको बिना तार के आप ट्रैवल में हैं, बिना तार के आप कोई फोटो ट्रांसफर करना चाहते हैं और अपने सोशल नेटवर्किंग साइट में अपलोड करना चाहते हैं, सिंपली इनको यूज कर सकते हैं आप। बस इनका एप्लीकेशन ऑन करें और काम करें। दोस्तों, आशा करता हूं आप वाईफाई वाले एसडी कार्ड और पेन ड्राइव्स के बारे में जान गए होंगे और इनके प्रिंसिपल और उपयोगिता भी जान गए होंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ये जानकारी जरूर शेयर करेंगे। अब कुछ बातें उन लोगों से जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो की गुणवत्ता इस प्रकार लगती है कि हमारे चैनल को आगे जाना चाहिए, तो आप अपने मित्र रिश्तेदारों से हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और जो मित्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और उन्हें यह वीडियो पसंद आया हो, वो यहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल। और यदि आपको एक और मौका चाहिए, दो मौका चाहिए कि और वीडियोस हम देख के आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारी वीडियो और आप यहां देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।